समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के लोहागिर पंचायत के वार्ड संख्या 13 के पोखर में शुक्रवार को रामवरण राम का 40 वर्षीय पुत्र राम कुमार राम शौच जाने के क्रम में पांव फिसलने के कारण डूब गया था। काफी खोजबीन के बाद भी लाश नहीं मिली थी। शनिवार को लोहागिर पंचायत के पूर्व मुखिया उमेश राय ने स्थानीय गोताखोरों को बुलवाकर सुबह से ही लाश को खोजवाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद लाश को पानी से बाहर निकाला गया, जिसे उजियारपुर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया। वहीं नवनिर्वाचित मुखिया प्रभात कुमार सुमन व पंचायत समिति सदस्य चंदन कुमार राय ने भी गोताखोर के द्वारा महाजाल गिराकर खोजवाया था, लेकिन लाश नहीं मिल पाई थी। लेकिन पूर्व मुखिया उमेश राय के पहल करने के बाद डूबे हुए लाश को निकाला गया। ब्रिटेन्स बिहार के लिए समस्तीपुर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। घटना के बारे में मुखिया जी आपको कब जानकारी मिली? कल हम गाँव में नहीं थे, मोबाइल के माध्यम से जानकारी मिला। हम कल मुजफ्फरपुर में थे कि ऐसे ऐसे आप अपने पंचायत में वार्ड संख्या 13 के रामवरण राम का लड़का राम कुमार राम बगल में जो पोखर है पंचायत भवन से जस्ट पश्चिम, उस पोखर में गया शौच करने, उसी में पिछल के गिर गया। लाश नहीं मिल रहा। हम तो कल गांव में थे नहीं, बहुत लोग कल खोजने का प्रयास किए, जाल उल भी मंगवाए, लेकिन संजोग से नहीं मिल पाया। रात में हम गांव में आए तो आज हम अपने गांव ही ग्रामीण ही सहनी टोल है वार्ड संख्या 14 में, वहां से हम 10 सहनी को लेके गए और 2-4-5 उसमें घुसे। घुसने के जस्ट ही बाद कुछ ही क्षणों के बाद मिल गया लाश। लाश के मिल जाने के बाद अंचला अधिकारी उजियारपुर को तो पहले से सूचना था, फिर थाना अध्यक्ष उजियारपुर आए, सभी लोग के सहयोग से उस लाश को पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। बहुत दुखद घटना है कि उस राम कुमार राम को छोटा छोटा बच्चा है। इस घटना को जानकारी मिलते ही हमारे गांव में सभी ग्रामीण के पूरा सन्नाटा छा गया कि यह इतना दुखद घटना कि लड़का बहुत मजदूरी करके छिट्टा बीन के जूता चप्पल सी के अपने परिवार को पोषण पालन करता था। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मांग है जो आपदा जो है वीडियो साहब के माध्यम से 20,000 मिलता है और आपदा जिला से 4 लाख रुपया मिलता है। ये दोनों हम लोग प्रयास करके दिला